बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी वाइटी फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपने अच्छे अच्छे कामों में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक और वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए जो आपके सामने प्लांट है, ये ड्रैगन फ्रूट है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत डिलीशियस इस पे जो फ्रूट्स हैं वो आते हैं, बहुत मीठे होते हैं। तो ये जो प्लांट है काफ़ी एक्सपेंसिव आता है और हमारे यहाँ से तो नर्सरीज में कम ही अवेलेबल होता है। तो ये मुझे जो है वो 6 मंथ पहले नर्सरी से मिला था, तो मैं ले आई वहाँ से, तो बहुत तब छोटा सा था जब मैं लेके आई थी। तो अभी इसकी ग्रोथ देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त जो है वो चल रही है और काफ़ी इसकी जो स्टेम्स हैं वो लॉन्ग हो चुकी हैं। तो इस तरह से मैंने वो साइडों से इसको सपोर्ट दे के रख दिया है। इस तरह से ये काफ़ी जो है लंबी इसकी ब्रांचेस जो है हो रही हैं। मैंने इसको एक क्ले पॉट में, ये देखिए आपके सामने जो है वो लगाया हुआ है। ये 18 इंच का मेरे पास क्ले पॉट है जिसमें मैंने इसको ग्रो किया है। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए थोड़ा हमें बड़ा जो है वो कंटेनर चाहिए होता है। बड़े कंटेनर में इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी रहेगी। जिस तरह के मैंने पहले ही छोटा सा जो प्लांट था उसको मैंने इस बड़े कंटेनर में जो है वो लगा दिया है। ये देखिए ये जो है कैक्टस की तरह आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। ये बहुत छोटा था, इतना सा था, ये देखिए यहाँ से लेके ये यहाँ तक इतना सा था बिल्कुल ही। ये जब मैंने इसको परचेज़ किया था, ये सारी ब्रांचेस जो साइडों से, ये अभी बाद में मेरे पास जब मैं लेके आई हूँ तब निकली हैं सारी ब्रांचेस। तो इसकी ग्रोथ जो है वो माशाल्लाह से पूरा साल चलती रहती है। सिर्फ दिसंबर जनवरी जब एक्सट्रीम ठंड होती है तब इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, अदरवाइज़ पूरा सीज़न जो है इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ चलती रहती है। ये देखिए सर्दियों में भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, इसको प्रोपोगेट करना बहुत ईजी होता है। ये देखिए इसकी एरियल रूट्स यहाँ से निकली हुई हैं इस तरह से। इसको अगर हमने नया प्लांट बनाना है, यहाँ से हम ये जो रूट्स निकली हैं यहाँ से हम कट करें और लगा दें और ये ज़बरदस्त हमारा फ्री में एक नया प्लांट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से इसको प्रोपोगेट भी करना बहुत ईजी होता है। अगर हम इसकी सॉइल मिक्स की बात करते हैं तो इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी हमको चाहिए होती है। पानी इसमें बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए। ये सन लविंग प्लांट है, फुल डे की सन लाइट में पड़ा रहता है। मेरे जो है सेकंड रूफ टॉप पे पड़ा हुआ है, फुल सन लाइट में रहता है। तो इसकी मिट्टी जो है बहुत ही आपने वेल ड्रेन बनानी है, बिल्कुल पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने महीनों बार इसको जब से लेके आई हूँ महीनों बार भी इसको पानी मैंने नहीं दिया, तो ये बहुत अच्छा जो है सर्वाइव करता रहता है। मिट्टी बिल्कुल इसकी ड्राई हो जाए, 1 वीक भी मिट्टी को ड्राई हुए हो जाए तब इसको आप वाटर करें। ये ओवर वाटरिंग से ही ख़राब होता है, अदरवाइज़ इसकी ग्रोथ जो है वो चलती रहती है। इसको फंगस का प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा आता है, तो इसमें फंगीसाइड वगैरह डालें, ऑर्गेनिक फंगीसाइड इसमें डाल दें। ये जो नीम खली होती है, नीम की खल से खल जो होती है वो ऑर्गेनिक, इसमें एक मुट्ठी आप डाल दें तो इसको फंगस वगैरह की प्रॉब्लम जो है नहीं होती। तो इस पे कांटे से लगे होते हैं, ये देखें छोटे छोटे कांटे आपको नज़र आ रहे होंगे, तो थोड़ी इसकी केयर रखें। बहुत शार्प इसके कांटे होते हैं। ये कैक्टस फैमिली से ही बिलोंग करता है, वहाँ कैक्टस को ड्राफ्ट करके इस जो ड्रैगन फ्रूट को बनाया गया है। तो इस पे छोटे छोटे जो है फ्रूट्स आते हैं। मेरे ये प्लांट में अभी तक फ्रूट नहीं आए, आफ्टर जो 2 ईयर या 1.5 ईयर बाद इसके में फ्रूटिंग होती है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।